गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ माधुरी और मैं आज आपके लिए लेके आई बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक, और ये आप कह सकते हैं कि मेरे लिए बहुत ही पर्सनल है। मैं नहीं चाहती थी इस पर मैं शूट करूँ, लेकिन कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे इस पर शूट करना पड़ रहा है। तो रिसेंटली ही आप ही की बात करती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, उससे अभी एक या सवा महीना हुआ होगा, उससे उसकी डिलीवरी हो गई है और उससे हुआ है बेबी बॉय। तो सबसे पहले उसको कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि वो मेरा चैनल देखती है। और वो जब उसको बेबी बॉय हुआ तो उसने सबसे दो तीन दिन में ही आई थी मुझसे ये बात शेयर की, और मैंने भी उसे कॉन्ग्रेचुलेट वगैरह किया और बात ख़त्म हो गई। तो अभी उसे भी बेबी हुआ है, मेरी भी बेबी है, तो मैं उसकी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ। और वो भी मेरी तरह दोनों ही हस्बैंड वाइफ ही रहते हैं, और अभी उसका एक बेटा, तो ऐसे तीन लोग ही रहते हैं। तो एक महीना चार पांच दिन हुए होंगे, तो मैंने उसे व्हाट्सएप पर मैसेज किया और मैंने उसे पूछा। मेरा आधा ध्यान उधर है क्योंकि माँ वहाँ लैपटॉप को खींच रही है, उसके हाथ तो नहीं आएगा लैपटॉप। तो मैंने उसे व्हाट्सअप किया था और मैंने ऐसे हालचाल पूछा उसे कि यार तुम कैसी हो, तुम्हारा बेबी कैसा है, ऐसा पूछा। तो उसका एक ही रिप्लाई था, फ्रस्ट्रेटेड। तो मैंने उसे पूछा कि क्या हुआ, क्यों तुम फ्रस्ट्रेटेड हो रही हो वगैरह। तो उसकी जो सिचुएशन थी, मैंने उसे कॉल किया, तो उसकी जो सिचुएशन थी वो सेम सिचुएशन मेरी माऊ बॉर्न होने के बाद थी। तो मैंने ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ कि मुझे क्यों लगा कि ये बात शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैंने मेरे फ्रेंड का जो है टॉपिक वो बताया। लेकिन अभी मेरे फ्रेंड को बाजू में रखते हैं। अब मैं आते हैं मेरे पॉइंट पर कि जो कुछ मेरे साथ हुआ है वैसा ही कुछ उसके साथ चल रहा है। तो मुझे अभी ऐसा लगता है कि ये हर एक लेडीज़ के साथ होता होगा, लेकिन इसके बारे में अवेयरनेस बहुत ही कम है। तो इसलिए मैं मेरा जो इंसिडेंस है वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप सबको तो पता ही होगा, मैं प्रेग्नेंट थी तब से मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, डिलीवरी के बाद भी मैंने ब्लॉगिंग की है, और आप मेरे ब्लॉग तो देखते ही होंगे। हम दोनों ही रहते हैं, विवेक और मैं, और अभी माऊ रहती है, तो हम तीनों ही रहते हैं। और दूसरी बात, हम दोनों को पता नहीं कि बेबी को किस तरह से संभालते हैं। माऊ आई है ट्राइपॉड खींचने, तो बेबी को संभालना हमारे लिए बहुत ही चैलेंज का काम था, और हम नए थे, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा था। ऊपर से तभी विवेक तो ट्राई कर रहे थे बेबी को, आई थिंक ये मुझे शूट करने नहीं देगी। हाँ, झोंकती थे। हाँ, तो हम दोनों पूरी कोशिश कर रहे थे कि बेबी को संभालने की, लेकिन कहीं ना कहीं मैं थोड़ी डिप्रेस हो गई थी, पता नहीं मुझे क्या हो रहा था। और मैं बार बार विवेक को कहती थी कि 5 सालों के बाद मुझे बेबी हुई है, लेकिन मैं क्यों खुश नहीं हूँ, मैं बिल्कुल खुश नहीं थी। माऊ के आने के बाद भी मैं बिल्कुल खुश नहीं थी, पता नहीं मुझे क्या हो रहा था, और मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी। और बात बात पर मैं रोती थी, बात बात पर मैं चिल्लाती थी, मैं झगड़ा करती थी विवेक से, मतलब छोटी सी बात पर भी मुझे गुस्सा आने लगता था, और मैं चिल्लाती थी विवेक पर, लेकिन फिर भी विवेक मुझे कुछ नहीं कहते थे, और मैं उस पर भड़कती थी, उसके बाद में मैं ही खुद रोने लगती थी। तो ये कुछ ऐसा मेरे साथ हो रहा था यहाँ पर। तो जी हाँ, मैं यहाँ पर आ गई, और ट्राईपॉड मैंने कबर्ड पर रखा है क्योंकि माऊ जो है शूट करने नहीं दे रही है, ट्राईपॉड खींच रही है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आ गई और यहाँ पर बैठ कर अभी शूट कर रही हूँ। बैकग्राउंड जो है उसे अवॉइड कीजिए, क्योंकि सब फैला दिया है माऊ ने पीछे। अब विवेक आने के बाद मुझे फिर से काम पर लगना है। तो आती हूँ, बात करती हूँ कि हम दोनों की। तो हम दोनों को भी बिल्कुल पता नहीं था कि बेबी को किस तरह से हैंडल करते, लेकिन फिर भी हम कर रहे थे। और मेरे हॉस्पिटल से आने के बाद मम्मी एक दो तीन दिन में चली गई, क्योंकि मम्मी यहाँ पर एक मंथ तक थी, एक मंथ से भी ऊपर ही थी, और वहाँ पर मेरे दो भाई है तो उनका भी देखना है, तो इसलिए मम्मी को जाना पड़ा, और घर में कोई नहीं था फिर संभालने वाला, और हमें बिल्कुल कुछ भी, मतलब कुछ भी पता नहीं था बेबी को किस तरह से ये संभालती है, उसका ए भी पता नहीं था हमें। और
माऊ भी तब बहुत परेशान किया करती थी। माऊ रात को उठ जाती थी, कभी भी उठती थी, नींद नहीं होती थी। सुबह दिन भर मैं सोती नहीं थी क्योंकि मुझे घर का काम करना पड़ता था और सीजर हुआ था। उसमें मैंने आई थिंक 8 दिन भी रेस्ट नहीं किए होंगे, मैं काम पर लग गई थी। तो बहुत ही हॉरिबल दिन थे वो मेरे। और मुझे अब ऐसा लगता है कि कोई ना कोई तो चाहिए साथ में, अगर बेबी हो तो कोई ना कोई देखभाल के लिए चाहिए। जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। और मुंबई की लाइफ भी ऐसी कि अकेले अकेले रहना पड़ता है। जैसे कि हम दोनों रहते हैं, मेरी फ्रेंड भी ऐसी रहती है, मेरे उसका अभी और वो और अभी उसका बच्चा ऐसे। तो ये जो प्रॉब्लम होती है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो उसे कहते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। जी हाँ, तो मुझे वो हुआ था पोस्टपार्टम डिप्रेशन। तो मैंने यहाँ पर कैसे वैसे 15 दिन निकाले डिलीवरी के बाद यहाँ पर। और इन 15 दिनों में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ। एक तो माऊ दिन भर तंग तो करती थी, रात को भी तंग करती थी, नींद नहीं होती थी मेरी। ऊपर से वो सीजर के टाके वो मुझे पेनफुल लगते थे और मैं कुछ कर नहीं पाती थी, लेकिन फिर भी मुझे करना पड़ता था सब काम। विवेक भी बहुत हेल्प करती थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं खुश नहीं थी। मतलब पता नहीं क्यों, मैं बार बार विवेक को ये बात बताती थी कि मैं जिस बात के लिए तड़पती थी आज वो खुशी मुझे मिली है, लेकिन फिर भी मैं क्यों खुश नहीं हूँ। बार बार तो विवेक मुझे कहते थे अभी जिम्मेदारी बढ़ गई है, तुम्हें आराम नहीं मिल रहा है, इस वजह से तुम फ्रस्ट्रेट होती होगी, ऐसा वगैरह कहते थे। लेकिन फिर भी मुझे मेरा आंसर नहीं मिला था, क्योंकि मुझ पे क्या बीत रही थी वो सिर्फ मुझे ही पता था। मैं एक्सप्लेन भी नहीं ठीक से कर पा रही थी विवेक के साथ। तो ऐसे ही मैंने 4-5 दिन निकाले, फिर आ गई। फिर पापा को पता चला, मतलब मेरे ससुर जी उनको पता चला कि हम हैंडल नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने एक मतलब विवेक की दादी है विवेक की, उनको भेजा। मुझे लगा कि वो आएंगे कुछ हेल्प करेंगे, लेकिन वो भी आके सिर्फ मुझे लेक्चर ही देके चले गए। इवन उन्होंने मेरी मम्मी को भी मम्मी के बारे में भी बुरा भला कहा कि बच्चे संभालने नहीं आते, 3 दिन बच्चे कैसे पैदा कर लिए। आई नो ये बात दादी को किसने बताई होगी, मुझे अच्छे से पता है, और वो भी मेरे वीडियो देखती है, ये भी बात मुझे अच्छे से पता है। तो इसलिए मैं अभी बोल रही हूँ कि मेरे मम्मी और पापा के बारे में अगर कोई कुछ बोले तो मैं नहीं सह पाती और मैं ये टॉलरेट नहीं करूँगी। तो बात करते वक्त थोड़ा सा समझदारी से बात किया कीजिए। और तो दादी आ गई, दादी ने भी बहुत कुछ सुनाया, तो मेरा दिमाग और थोड़ा घूम गया, क्योंकि मेरे मम्मी के बारे में बात की इस तरह से तो मेरा और दिमाग घूम गया। मैं और फ्रस्ट्रेट हो गई। और ऐसे ही मतलब 4-5 दिन बाद नहीं, आई थिंक 10-12 दिन के बाद दादी आई थी। और दादी ने बहुत कुछ सुनाया मुझे। और मेरा मिल्क भी तब कम था, बहुत कम था, तो उस पर भी मुझे ताने कसे। और कोई भी आता था मुझे ताने कसता था, कुछ भी कहता था। इस मतलब मैं एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन गई थी। एक तो बेबी को संभालना, घर का काम करना, ऊपर से लोगों के ताने। कोई भी बेबी को देखने आता था तो वो मुझे ताने दे के चले जाते थे कि तुम तो डिलीवरी हुई हुई औरत लगती नहीं हो, तुम्हें दूध ही कम है, ये है वो है। तो इस बातों से मैं और थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गई थी। और जब दादी आके चली गई तो मैं बिल्कुल सह नहीं पाई, मैं बहुत रोई उस दिन। तब आई थी मेरी मदर इन लॉ, तो उन्होंने भी मुझे बहुत संभाला, समझाया। लेकिन पता नहीं क्यों दादी की बातें मुझे बहुत हर्ट की उस बार। और मुझे दादी की बातें हर्ट नहीं की क्योंकि वो बड़े हैं, वो बोलेंगे ठीक है, लेकिन उन्होंने दूसरों के कहने पर मेरी मम्मी को जो कुछ बोला वो बात मुझे सहन नहीं हुई। तो मैं और थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गई और मैं बहुत रोने लगी। उस दिन मैंने विवेक को ऑफिस से बुला ही लिया, तुम अभी के अभी घर आ जाओ, मुझे तुमसे अभी के अभी बात करनी। तो विवेक आ गए तो मैंने विवेक को कहा कि अब मुझसे नहीं होता ये सब और मुझे जाना है मेरे घर, मायके ही जाना है मुझे, ऐसा कहा। मुझे ऐसा लगा कि मुझे हेल्प करने वाला कोई नहीं, यहाँ पर सिर्फ ताने कसने वाले लोग हैं। तो मतलब मेरी जो कंडीशन है उस अनुसार मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे ऐसा
मिले जो मुझे सपोर्ट करे, लेकिन सब यहाँ पर ऐसे ही बातें करते थे, तो मुझे लगा कि मायके जाना ही ठीक है, वहाँ पर मेरी अच्छे से देख रेख होगी, मेरी बेबी की भी होगी। लेकिन तब विवेक आ गए घर, तो विवेक को मैंने कहा कि मुझे कुछ भी करके अभी जाना है, मतलब जाना ही है, तुम कुछ भी करो। तो उन्होंने ट्रेन की टिकट्स दे के, रिजर्वेशन अवेलेबल नहीं था, बस से जाना पॉसिबल नहीं था, और तब बारिश भी थी आई थिंक, हाँ बारिश भी थी। तो मैंने मेरे भाई को फ़ोन किया, बड़े भाई को, और मेरे भाई को कहा कि मुझे कुछ भी करके बेलगाम आना है, सिर्फ बेलगाम आना है, कुछ मुझे और कुछ सुनना नहीं है। तो विवेक और मेरे भाई ने मिलके कार डिसाइड किया, बाय रोड जाएंगे कार से। तो मेरा बड़ा भाई वहाँ से कार लेके यहाँ पर आ गया, और फिर माओ का जितना भी सामान है, उसका झूला बिला सब लेके मैं बेलगाम चली गई। और मैंने सोचा कि मैं वहीं पर एक 3-4 महीने तो वहाँ पे रहूँगी, उसके बाद में मैं आ जाऊँगी, और मुझे थोड़ा मतलब बेबी के बारे में पता भी चल जाएगा, तो मैं संभाल पाऊंगी। लेकिन जब मैं इतनी स्ट्रांग लड़की हूँ, मेरे लिए कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है कि वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं दूसरों को देखकर ये सोचती थी, क्योंकि मेरे और भी फ्रेंड्स थे जिनके बच्चे हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस की लड़कियाँ थी वहाँ पर, उनके भी बच्चे हैं, और सब संभालते बेबी को। तो मैं सोच रही थी कि मुझसे क्यों नहीं हो पा रहा है बेबी को संभालना, इतने तो लोग सब संभालते, मैं क्यों नहीं संभाल पा रही हूँ। तो मैंने खुद को भी चैलेंज करके देखा कि नहीं, मैं संभालूंगी, अकेली संभालूंगी, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी। तो फिर मायके जाने का तय हुआ, तो हम चले गए, और साथ में मैंने मेरे सासू माँ को भी ले लिया, क्योंकि ट्रैवल करना है, और बेबी को भी, और मेरा सीजर भी हुआ था, तो मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं पाती थी बेबी को लेके, तो मैंने उनको ले लिया साथ में। लेकिन ये किसके पास रहती नहीं थी, तो ये मेरी भी गोदी में ही बेलगाम तक चली गई। वहाँ गई मैं, और वहाँ रहने लगी, लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं खुशी नहीं थी। हेल्प हो रही थी, मम्मी से हो रही थी, अड़ोस पड़ोस के लोग भी वहाँ पर बहुत ही अच्छे है, घर जैसे है, सब संभालते थे, माओ को नहलाना वगैरह हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग सब करते थे, फ्री में करते थे, पैसे भी नहीं लेते थे वो। हमारी पड़ोस की आंटी, वो डेली आके उसे नहलाती थी, मुझे बताती थी कि क्या क्या करना चाहिए, बेबी को कैसे हैंडल करना चाहिए। और यहाँ के जो रिलेटिव्स है, उनकी मैं बात करूँ तो सब ने ताने दिए मुझे, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि बेबी को किस तरह से संभालते हैं, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, कुछ कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं बताया, सिर्फ ताने कसे मुझे। तो वहाँ जाने के बाद आई नो मेरे रिलेटिव्स बहुत कम हैं, मेरे ज़्यादा रिलेटिव्स नहीं है, जैसे कि यहाँ पर रिलेटिव्स है वैसे मेरे रिलेटिव्स नहीं है, लेकिन हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग इतने अच्छे हैं ना कि मुझे रिलेटिव्स की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे माओ को वहाँ पर अच्छे से सब ने देखा संभाला, लेकिन फिर भी मैं वहाँ पर खुश नहीं थी, पता नहीं मुझे क्या हो रहा था। एक दिन मैं रात को उठ के, ये बात मुझे शेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए मुझे पता नहीं, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि मैं दिन भर रोई, उस दिन पता नहीं था क्यों रो रही हूँ, मुझे पता नहीं, बिल्कुल पता नहीं मैं क्यों रो रही, मैं दिन भर रोई। फिर मैंने शाम के टाइम, मेरा भाई और विवेक बाहर जा रहे थे कुछ लाने के लिए, माओ का कुछ सामान था लाने के लिए जा रहे थे, तब मैंने उसे कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ बाहर का लेके आओ, मुझे खाना है। तो वो गए बाहर, और हाँ उन्होंने कुछ, मतलब हमारे घर में नॉनवेज बनता नहीं है उस घर में, मतलब मेरे मायके में नॉनवेज नहीं बनता है, लेकिन सब कहते हैं ना कि नॉनवेज खाने से मिल्क बढ़ता है वगैरह, ऐसा कुछ कहते हैं। तो मेरे भाई ने नॉनवेज भी लेके आया मेरा भाई, लेकिन मैंने खाया है, मैंने विश की थी कि मैं खाऊंगी, मुझे चाहिए, लेकिन जब लेके आए तब मैंने बनाने से मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं बनाना, क्योंकि मेरी मम्मी नहीं बनाती है, अगर लाए तो मुझे ही बनाना पड़ता, लेकिन मैंने कहा कि नहीं मुझे नहीं बनाना। तो मेरे सामने वाले, हमारे सामने वाले घर में मेरी भाभी है, मतलब ऐसी पड़ोसी है लेकिन भाभी जैसी है, आप उसे मेरी बेस्ट फ्रेंड भी कह सकते हैं। तो वो मेरी बहुत केयर करती है, शादी से पहले भी और अभी भी, और जब भी मैं जाती हूँ मेरे लिए कुछ स्पेशल बना के घर में भेजती है, अभी भी बहुत ही केयरिंग है वो। तो उन्होंने 2-3 लोगों का होगा इतना खाना भेज दिया नॉनवेज,
रेडीमेड नॉनवेज घर में आ गया तो भी मुझे खाने का मन नहीं कर रहा था। मतलब मैंने विश की थी, मांगा था मैंने, लेकिन आने के बाद मुझे नहीं खाना था, पता नहीं क्यों। सामने मैंने ऐसे ताट रख दिया, फिर भी मैं नहीं खा रही थी और रोए जा रही थी, रीजन पता नहीं। फिर हमारे घर की विंडो है, उसमें मैं रात के मतलब 9:30 बजे से रात के 12 बजे तक मैं उस विंडो से बाहर देखती हुई बैठी थी। सब सो गए लेकिन मैं विंडो खोल के बाहर ही देख रही थी सिर्फ, पता नहीं मुझे क्या हुआ था। उसके बाद 2:30 के बीच मैं घर से बाहर चली गई, रात का समय था और मैं घर से दरवाजा खोला मैंने और मैं चली गई बाहर। तो विवेक जग रहे थे, विवेक को भी लग रहा था कि इसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है, तो वो सोया नहीं था, उसे मेरी टेंशन थी तो वो सोया नहीं था। तो जब मैं बाहर जा रही थी तो विवेक पीछे से आ गए और उन्होंने मुझे रोका और पूछा कहाँ जा रही हूँ। तो मुझे फ्लैश हुआ कि मैं बाहर आ गई थी, मुझे पता नहीं था मैं कैसे बाहर चली गई और मैं बाहर आ गई थी और मैं क्या करने वाली थी मुझे भी नहीं पता। तो फिर से विवेक मुझे अंदर लेके आए तो मैं फिर से रोने लगी। मैंने पूरी रात रोया है उस दिन और ऐसे करके मेरे वहाँ पर निकले थे 10 या 12 दिन निकले थे। और ये जो मैं ज़्यादा रोई थी वो दिन मेरा बेलगम का लास्ट दिन था, तो रात भर में रोई थी। और फिर सुबह की अर्ली मॉर्निंग आई थिंक 5:30 या 6 बजे थे तब मैं सो गई। सोने के बाद मैं सुबह उठी 8 बजे, मेरी सासू माँ और मेरी मम्मी जो है उसने माऊ को संभाला था, माऊ की कोई टेंशन नहीं थी वहाँ पर, माऊ अच्छे से रह रही थी। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि जब मैं बेलगाम चली गई तब वहाँ का क्लाइमेट जो है बदल गया था, वहाँ पे बारिश भी आ रही थी, बहुत बारिश थी और ठंड भी बहुत पड़ रही थी और बीच में दोपहर के टाइम एकदम समर जैसा मून भी पड़ रहा था। तो उस क्लाइमेट चेंजिंग की वजह से माऊ बीमार पड़ गई वहाँ पे। माऊ को बहुत बुखार था, सर्दी थी, कफ था और बहुत उल्टियाँ कर रही थी बार बार वो, और उसे कुछ भी मतलब दूध वगैरह डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। तो मैं उसे 2 दिन में 1 बार डॉक्टर के पास लेके जा रही थी। वहाँ पर कौन सा डॉक्टर, मुन्नोड़ी डॉक्टर है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, तो उनके पास मैं मतलब वहाँ का कुछ फेमस है वो डॉक्टर, तो मैं उसे बार बार वहाँ पर 2 दिन में 1 बार उसे लेके जाती थी। वहाँ पर डॉक्टर मेडिसिन देते थे, मतलब उसके लिक्विड जो मेडिसिन होते वो सब देते थे। माउस हो गई है तो लिक्विड जो मेडिसिन है वो देते थे, मैं उसे देती भी थी लेकिन उसका कुछ असर उस पर होता नहीं था। तो मैं फिर से 2 दिन बाद उसे लेके जाती थी, फिर नए मेडिसिन लिख के देते थे डॉक्टर, लेकिन उसका भी कुछ असर नहीं होता हो रहा था। 1 मिनट, हेलो, हाँ, तो मैं बात कर रही थी माऊ की। तो माऊ को वहाँ का मेडिसिन कुछ लागू ही नहीं पड़ रहा था, तो 1 वीक मैंने ऐसे भागा दौड़ी की डॉक्टर के पास। और बाद में डॉक्टर ने कहा कि उसे यहाँ का क्लाइमेट नहीं सूट हो रहा है बेलगाम का, तो आप उसे वहीं पर ले जाइए, थोड़ी बड़ी हो गई तो ये क्लाइमेट उसे सूट होगा, तो अभी तो फिलहाल उसे नहीं होगा। और माओ को ऐसे भी बेलगाम का क्लाइमेट सूट ही नहीं होता, वो जब भी वहाँ से वापस आती वो भी चैनल चलाती थी, और अगर कोई यूट्यूबर है तो उसे पता होगा कि वीडियो निकालना, वीडियो एडिट करना, वीडियो अपलोड करना, घर का काम करना, माओ को संभालना कितना बड़ा काम है। और ये अभी मुझे कुछ नहीं लगता ये सब काम, लेकिन तब मुझे लगता था। मैं काम से डरती नहीं थी लेकिन मेरे साथ कुछ हो रहा था। तो उस दिन यहाँ आने के बाद मुंबई मैंने सोचा सबसे पहले मुझे जाना है गायनेक के पास, और दूसरी बात मुझे माऊ को लेके जाना है पीडियाट्रिशियन के पास। तो सबसे पहले मैंने अपॉइंटमेंट ली गायनेकोलॉजिस्ट जो मेरी है उनकी अपॉइंटमेंट ली, और उसके बाद मुझे डॉक्टर भी पता नहीं था यहाँ का, माऊ को मतलब पीडियाट्रिशियन कोई अच्छा सा मुझे पता नहीं था। तो उसके बारे में भी, डॉक्टर के बारे में भी मैंने मेरे गायनेक से ही कंसल्ट किया, तो उनके पहचान में तो डॉक्टर होते ही है, तो उन्होंने मुझे एक अच्छा सा डॉक्टर सजेस्ट किया। ट्रस्ट मी गाइस, वो बहुत ही अच्छे डॉक्टर है, ये माऊ की जो डॉक्टर है बहुत ही अच्छे डॉक्टर है। और जब मैं गायनेक के पास मेरी अपॉइंटमेंट थी, दूसरे दिन की मुझे अपॉइंटमेंट दी गई डॉक्टर ने,
मैं गई वहां पर भी मैं रोने लगी, डॉक्टर को बताने लगी कि मुझे क्यों ऐसा हो रहा है। मैंने सारी बातें बताई, माँ आ गई फिर भी मैं खुश नहीं हूँ, मैं ऐसे रोती हूँ, मुझे क्या हो रहा है मुझे पता नहीं डॉक्टर, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर ने पहले मुझे रिलैक्स किया और फिर डॉक्टर ने कहा कि ये सब कॉमन है। प्रेगनेंसी के बाद, प्रेगनेंसी में हमारे अंदर हैप्पी हॉर्मोन्स बहुत होते हैं और डिलीवरी होने के बाद वो सब हैप्पी हॉर्मोन्स एकदम से डाउन हो जाते हैं और उसकी वजह से हमें डिप्रेशन आता है। लेकिन ये कई लेडीज़ में कम होता है और कई लेडीज़ में ये ज़्यादा आ जाता है। उसका रीज़न ये ही कि जो फैमिली के साथ रहते हैं, उनके सास ससुर या माँ बाप कोई साथ में होता है, तो उनको इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती क्योंकि उनके आस पड़ोस में लोग होते हैं और जिनके, जैसे कि मेरी तरह जो लोग रहते हैं उनमें ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है डिप्रेशन की, क्योंकि हमारे आसपास कोई नहीं रहता है। ऊपर से जो प्रेगनेंसी के बाद हमारी जो बॉडी होती है, हार्मोनल्स चेंजेस होते हैं, उस वजह से हम ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। डॉक्टर ने कहा कि ये कॉमन है, लेकिन ये डिप्रेशन जो है उसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं और ये जो डिप्रेशन एक्सट्रीम लेवल जब हो जाता है तो ये जान पर भी बनाता है, ऐसा डॉक्टर ने कहा मुझे। तो मुझे डॉक्टर ने मेडिसिन दी, लेकिन मेडिसिन से भी बेटर मैंने, मुझे डॉक्टर ने कहा कि तुम बाहर घूमा करो और घर में किसी को ला के रखो, किसी के साथ बातें करते रहो। ऐसा करने से, नारियल पानी पीने के लिए कहा मुझे, ऐसे करने से ये तुम्हारा जो डिप्रेशन है वो कम हो जाएगा। तो ये सब बातें मैंने सुनी डॉक्टर की और मुझे पता चल गया कि मुझे हुआ क्या है। तब मैंने घर आके मैंने मेडिसिन तो खाई, लेकिन डॉक्टर ने जो बातें बोली वो भी मैंने ध्यान में रखी। लेकिन मैं फिर सोचने लगी कि हम तो दोनों ही रहते हैं तो हम घूमने कैसे जाए बाहर माऊ को छोड़ के, मतलब ऐसे घर के बाहर वगैरह घूमना, रिलेटिव्स में जाना, ऐसे बातें मुझे कही गई। लेकिन हमारे यहाँ होता है ना कि सवा महीना तक कहीं जाते नहीं है, घर में ही रहना होता है, वॉक भी करने नहीं देते, तो मैं जाऊँ कहा। तो फिर मैं सोच रही थी कि अभी मैं क्या करूँ, लेकिन मुझे पता चल गया था कि मुझे क्या हो रहा है। तो मैंने खुद से ये सोचा कि अभी जो करना है मुझे ही करना है, मुझे ही खुद का ख्याल रखना है। मुझे एग्जैक्ट पता चल गया कि मुझे हो क्या रहा है, तो मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला। मैंने खुद को पहले संभाला और मैं कोशिश करने लगी हैप्पी रहने की। मैं विवेक के साथ बहुत बातें करने लगी, अगर मुझे रोना आया तो मुझे पता चल जाता था कि हाँ मुझे नहीं रोना है क्योंकि मुझे ऐसा हो रहा है तो मुझे नहीं ये करना है। तो तभी मैं खुद को किसी और काम में बिजी कर लेती थी और मैंने फिर से यूट्यूब स्टार्ट कर दिया। मेरा जो टाइम है वो ये करने के लिए, बिजी रखने के लिए मेरा शेड्यूल, मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया कि दिमाग में कोई मतलब ऐसे बातें ना आए वगैरह, तो यूट्यूब स्टार्ट कर दिया फिर से। और माऊ का तो प्रॉब्लम था ही, वो रात में उठती थी, दिन भर भी परेशान करती थी, बार बार रोती थी और उसको भी संभालने के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था और किसी ने कुछ नहीं बताया मुझे कि बेबी को किस तरह से संभालना है। तो इसके ऊपर भी मैंने, जब मैंने खुद को संभाला तब मैंने इसके ऊपर इलाज निकाला कि मैंने मेरी गायनक को फिर से कॉल किया और उनसे मैंने पीडियाट्रिशियन का पता और फ़ोन नंबर पूछा। तो उन्होंने एक अच्छे पीडियाट्रिशियन मुझे सजेस्ट किए, मैंने उनसे कांटेक्ट किया और ट्रस्ट में वो डॉक्टर बहुत ही अच्छे हैं। और मैं उन डॉक्टर के पास चली गई और मैंने कहा कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है इसके, तो डॉक्टर ने उसे चेक किया। मैंने मेरे एक वीडियो शूट किया था फॉर्मूला मिल्क पर, तब उस वीडियो में मैंने बताया था कि माऊ की स्टार्टिंग की प्रॉब्लम क्या थी। तो वो स्टार्टिंग मिल्क कम होने के कारण वो लैक्टोजन पीती थी फॉर्मूला। लैक्टोजन जो फॉर्मूला होता है वो डाइजेस्ट होने में बहुत ही टफ होता है, तो उस वजह से माऊ के सारे प्रॉब्लम्स जितने भी थे वो चल रहे थे। और बेलगाम से आने के बाद उसे थोड़ा फीवर, कोल्ड, कफ वगैरह, वोमिटिंग के प्रॉब्लम वगैरह थी,
तो वो भी मैंने डॉक्टर को बताई, तो उस पे भी डॉक्टर ने मेडिसिन दी और वो मेडिसिन उससे जल्दी ही लागू पड़ गई और वो ठीक हो गई। एक दो तीन दिन में वो ठीक हो गई और डॉक्टर ने मुझे ढेर सारी बातें बेबी के बारे में बताई। मैंने डॉक्टर से भी कहा कि मुझे बताने वाला कोई नहीं है और मेरे साथ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो आप भी प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। आपको भी पता होगा कि मैं माऊ होने के बाद मैं आपसे भी बहुत सजेशन मांगती थी, और थैंक यू, आपने बहुत कुछ मुझे बताया उस टाइम। तो इसलिए मैं ऐसे ही आपको मेरी फैमिली नहीं कहती, आपने उस टाइम में मेरी हेल्प की है जब मुझे किसी की ज़रूरत थी, जो किसी ने मेरी हेल्प नहीं की तब आप लोगों ने मेरी हेल्प की, और आपके सजेशन भी मुझे बहुत काम आए। और डॉक्टर ने भी बहुत सारी ऐसी बातें बताई मुझे माऊ के बारे में, जिससे मुझे माऊ का संभालना इजी हो गया। और फिर मैंने सबकी बातें सुनना छोड़ दी कि बेबी के बारे में कहते ना उसका काला धागा बंद हो, इसे ये पिलाओ उसे वो पिलाओ, 6 महीने भी कंप्लीट नहीं होते उसे ये खिला। हमारे बेबी को तो हम 3 महीने में ये देते थे वो देते थे, ऐसी बहुत पकाऊ बातें मुझसे की गई। लेकिन मैंने एक ही ठाना था कि मुझे किसी की बात नहीं सुननी है, मुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मैं डॉक्टर के पास सीधा जाऊंगी। और ट्रस्ट में गाइस, जब से मैंने डॉक्टर की एडवाइस लेना स्टार्ट किया तब से माऊ की अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। उसका बेलगाम चला गया तो चली गई ना, तो ही उसे कोल्ड कफ वगैरह हो जाता है उतना ही, बाकी उसकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और थैंक गॉड कि मुझे गायनाकोलॉजिस्ट एक अच्छी मिल गई, जिसके उसके भरोसे मैंने मेरी डिलीवरी भी यहाँ पर कराई। आप कहेंगी कि मायके क्यों नहीं गई, क्योंकि यहाँ पर दिखाती थी उस डॉक्टर के साथ मैं कंफर्टेबल थी, और वो डॉक्टर जिस हॉस्पिटल में थी वहीं पर मैंने मेरा नाम डलवाया था, तो मुझे सारा कुछ उनसे ही करवाना था। लेडीज़ डॉक्टर थी, उनसे ही करवाना था, तो मैं यहीं पर रहेगी। और डॉक्टर बहुत ही अच्छी थी, दूसरा माऊ का जो डॉक्टर से वो भी डॉक्टर जो है वो भी बहुत अच्छे है। तो इस तरह से मेरी लाइफ मैंने खुद संभाली। जब मुझे मेरी प्रॉब्लम समझ में आई तो सेम प्रॉब्लम मेरी फ्रेंड के साथ हो रही है अभी, तो उसे गाइड करने वाला कोई नहीं है, तो इसलिए मैंने उसे गाइड किया कि ऐसा ऐसा होता है, तुम ये सब चीज़ें करो तुम उससे संभल जाओगी। बेबी के बारे में भी मैं उसे एडवाइस देती रहती हूँ कि ऐसा करो वैसा करो ये करो, क्योंकि मुझे पता है तो मैं उसे बताती हूँ। मेरे टाइम में मुझे बताने वाला कोई नहीं था, लेकिन मुझे अगर मेरी ज़रूरत किसी को होगी तो मैं ज़रूर मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी उनके साथ, उनको बताऊँगी 4 बातें अच्छी जो मुझे किसी ने नहीं बताई। तो डॉक्टर को दिखाने के बाद माऊ भी अच्छे से रहने लगी, माऊ भी ठीक हो गई, तो मुझे भी बहुत ईजी होने लगा। और वो 15-20 दिनों में ही उसे रात में सोने की आदत पड़ गई, और वो दिन में 2 टाइम सोती थी और रात में फुल नाइट सोती थी। तो ये एक मेरे लिए बहुत ही रिलीफ वाली चीज़ थी, क्योंकि मैं दिन भर काम करती थी, दिन भर सब करती थी और रात में मुझे नींद नहीं मिलती थी। तो माऊ जब सोने लगी रात में तब मुझे मेरी वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और माऊ को संभालना हम दोनों के लिए बहुत ही इजी हो गया। विवेक भी संभालते, मैं भी संभालती हूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो सीधा हम डॉक्टर के पास जाते, किसी की बात नहीं सुनते। तो ये सब मैंने मेरी प्रॉब्लम पर ये सलूशन निकाला। तो मैं ये बात मतलब बहुत लेडीज़ के साथ ये सब होता है, लेकिन उनको ये रियलाइज़ नहीं होता, ये जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है ये उनको रियलाइज़ नहीं होता। अगर ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, आप में से किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे जीते रहते हैं लेकिन उनको ये बात पता नहीं होती। अगर आपको आपको क्या हुआ ये बात अगर आपको पता होगी तो आप खुद उस पर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने निकाला। तो बस ये जो बात है वो मुझे लगी कि शेयर करनी चाहिए, आपको हेल्पफुल होगी, तो इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया है। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगेगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करना ना भूलें। और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि इसके बारे में अवेयरनेस और थोड़ी बढ़ जाए। और जल्दी लौटूंगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।